नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज। आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको समय दिया जाएगा 40 सेकंड का, ठीक है ना। ध्यान से सवालों को करना है और जो नोट्स है उसको बनाते चलना है। आवाज़ वगैरह सब सही है? हाँ, ओके। पूनम, सागर, अनुज, राहुल, राहुल, रेंशो, वाईएस, ज्योति, हेमा, हेलो सभी को। प्रीलिम्स के दिन पेपर एनालिसिस का वीडियो लाइव डाल देना सर, मज़ा आएगा। ठीक है, खेती बारी में लग जाएंगे इमीडिएट। अरे नहीं सर, बढ़िया होगा। ठीक है, चलो चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है निर्भय पर। निर्भय एक क्रूज मिसाइल है, इसको टेस्ट फायर किया गया था। इसमें इंडिजीनियस इंजन लगा हुआ है, वो इंजन जो भारत में डेवलप किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से इस पर जो सवाल है वो देखो और इसका जो आंसर है वो दो। सबसोनिक, सुपरसोनिक, ये सब रेंज होता है, ये सब आपका स्पीड होता है कि कितने साउंड की स्पीड का कितना गुना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से नीचे जाता है, मतलब उससे कम स्पीड से जाता है, उसको हम लोग सबसोनिक कहते हैं। अगर कोई स्पीड साउंड के स्पीड के ऊपर जाता है, अगर कोई स्पीड साउंड के स्पीड से ऊपर जाता है, तो उसको हम लोग ट्रांसोनिक, फिर उसके बाद आता है सुपरसोनिक, फिर आता है आपका हाइपरसोनिक, ठीक है। साउंड से कम स्पीड सबसोनिक, क्लियर हो गया। साउंड जितना स्पीड ट्रांसोनिक, साउंड से ऊपर स्पीड सुपरसोनिक, उसके बाद आता है आपका हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड का 5 गुना या फिर उससे ज़्यादा का स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ये जो निर्भय है ये लॉन्ग रेंज का ऑल वेदर सबसोनिक मिसाइल है, मतलब कि साउंड के स्पीड से कम स्पीड पर चलता है। ये काफ़ी लो रेंज पर चलता है, मतलब कि ज़मीन से लग करके चल सकता है, जो ओशियन का जो वाटर है उससे लग के चल सकता है। चूँकि काफ़ी लो लेवल पर चल सकता है तो इसी कारण से जो रडार है इसको पकड़ नहीं सकता, ठीक है। दो स्टेज का होता है, इसका रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं 1500 किलोमीटर के आसपास तक। टारगेट को हिट करने से पहले चुन सकता है कि हाँ किसको पहले मारें, इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सुपरसोनिक नहीं है, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1500 किलोमीटर तक इसका जो रेंज है वो जा सकता है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। किसके बारे में? निर्भय मिसाइल के बारे में। अगला हमारा सवाल है, अंडमान निकोबार में एक 15 मीटर ऊंचा जो ट्री है पिस्टोरिका जीनस का, वो फाइंड किया गया है। थोड़ा सा फैक्चुअल है, होगा तो ठीक है, ना होगा तो कोई इशू नहीं है। इसको सवाल करना ज़रा, इसका आंसर करना। रोहित सिंह, जमाने बाद, आनंद गुप्ता, सोनम, अनुज, कौस्तुब। इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज देन व्हाट शुड बी इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो क्या होगा? जो लोन की दरें हैं वो घट जाएंगी, मनी सप्लाई हमारी इकॉनमी में बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट घटने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो नया जो ट्री फाइंड किया गया है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN के मुताबिक, और भारत में पायरोस्टीरिया जेनस का ये पहला पेड़ है। जनरली ऐसे पेड़ मेडागास्कर में पाए जाते हैं। बस याद रखना, एक नया पेड़ मिला है, पहली बार भारत में मिला है, अंडमान निकोबार में मिला है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नाम हम तुमसे याद नहीं रहेगा, ये हमको पता है, कॉफ़ी फैमिली का है, ठीक है। तो ये बातें हैं, पहला सही, दूसरा सही, क्या सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल है ई अमृत के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप GS3 में भी।
GS3 में जो आपका ई व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, अगर सवाल पूछे कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, विच आर द व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैव टेकन टू प्रमोट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टू प्रमोट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाँ ठीक है क्या हमारे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है, तो इस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को दूर करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो कितना सब्सिडी दिया जाता है, क्या फ़ायदे होते हैं इसके, इन सब पर सभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ई अमृत नाम का एक पोर्टल डेवलप किया है नीति आयोग ने। तो पहला दूसरा दोनों सही है, आप इसका नाम ले सकते हैं ई अमृत पोर्टल का, अगर पूछे कि सरकार ने क्या कदम उठाया है इसको प्रमोट करने के लिए। तो फेम और PLI, जो फेम स्कीम है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट कर सकें, प्लस जो हाइब्रिड व्हीकल है ना उसको प्रमोट कर सकें। PLI क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि अगर आप ई व्हीकल बनाते हैं तो आपको एक खास इंसेंटिव जो है वो दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो मैनुफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। एक बात और, 26th समिट जो है ये ग्लासगो UK में हुआ था, याद रखना ये वाला। 26th समिट कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। US फेडरल रिजर्व अगर अपना ब्याज दर बढ़ाता है तो क्या होगा ये बताना, अगर US फेडरल रिजर्व अभी बढ़ा रहा है और लगातार बढ़ाएगा, USA में इन्फ्लेशन बहुत ही हाई रेट पर पहुंच गया है, तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन USA, US का जो फेडरल रिजर्व है मतलब US का जो RBI है, दे विल बी इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इन देयर इकॉनमी। ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब US में ब्याज की दरें बढ़ेगी तो होता क्या है, वहाँ पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, USA में पैसा रिटर्न करने मतलब करने पर ज़्यादा पैसा मिलता है। पैसा देखो, USA में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वहाँ से जो भी पैसा हमारी इकोनॉमी में आया है वो पैसा कॉस्टली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि USA में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। ठीक है, दूसरी बात, जो पैसा इंडिया जैसी इकोनॉमी में आ रहा है उन पैसों को अब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उनकी खुद की कंट्री में। तो होता क्या है, जो पैसा जो FPI भारत में लगा हुआ था वो इन्वेस्टर भारत में स्टॉक बेच करके निकलना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दे विल बी कैशिंग आउट फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। पिछले 8 महीने से ये काम हो रहा है, पिछले 8 महीने से जो हमारे FII हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो नेट सेलर हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में। डैट्स वाई हमारा जो सेंसेक्स है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में गिर चुका है। तो पहला सही है यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, तुम सोचो अगर इंडिया से डॉलर बाहर गया, इंडिया से डॉलर बाहर गया तो डॉलर का सप्लाई हमारे यहाँ घट जाएगा रुपए के कंपैरिजन में। जिस चीज़ का सप्लाई घट जाता है उसका भाव बढ़ जाता है, तो डॉलर का भाव बढ़ जाएगा रुपए के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, रुपए विल डिप्रिशिएट, रुपए विल टर्न वीक, तो देयर विल बी वीकर रुपी इन कंपैरिजन टू द डॉलर। दूसरा भी सही है, सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना ये प्योर अप्लीकेशन है आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट का। अगर आपको आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब इसका आंसर कर पाएंगे। और सवाल इसी तरह का होगा, वहां पर सवाल एनालिटिकल ही होंगे। सवाल करना जरा डिगोंग पे, डिगोंग सीकाओ कहते हैं इसको, समुद्री गाय, शाकाहारी होता है ये। कैशिंग आउट ट्रेडिंग आउट सेम है क्या? कैशिंग आउट देखो दोनों हो सकता है, कैशिंग आउट में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बेच के निकल सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा हमारे पास कई सारे स्टार्टअप हैं जो लिस्टेड नहीं हैं,
जैसे कि आपका पहले स्विगी है, ये सब लिस्टेड नहीं है, तो वहाँ से भी इन्वेस्टर बेच के निकल सकते हैं। अनअकैडमी है, चाहे दूसरे कंपनीज हैं, जैसे कि बायजू वगैरह है, दूसरे कंपनीज हैं लिस्टेड नहीं हैं, तो उनके जो इन्वेस्टर हैं वही निकल सकते हैं बेच करके, अगर हमारे यहाँ पर मतलब उनके यहाँ रेट बढ़ता है तो। ठीक है, जोमेटो लिस्ट हो गया है, पेटीएम भी लिस्ट हो गया है, LIC भी लिस्ट हो गया है। ठीक है, और कौन सा जो है वो यूज़ करते हैं आप कंपनी? ड्यूगोंग जो है वो वनरेबल है। ड्यूगोंग इंडिया के अलावा 30 और देशों में मिलता है, तो ये इंडेमिक नहीं है भारत में, ये इंडेमिक नहीं है। हाँ, ये IUCN के मुताबिक वनरेबल है, तो A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें इसको लिस्ट किया गया है, 30 से ऊपर कंट्री में आपको धन मिलता है। भारत में गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कक्ष, पल्क बे, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सब इलाकों में जो सी काउ है वो देखने को मिलता है। बड़ा मोटा ट्राउजर सा प्यारा सा जानवर है, दिखाते हैं आपको। ये है सी काउ ऐसा। इस तरह का होता है। गुलमटोल सा, इसको हम कहते हैं सी काउ, ड्यूगोंग। ठीक है ना, ये चल अगला देखते हैं हम लोग। काकटिया के बारे में सवाल पूछा गया, ध्यान से करना जरा इसको। समुद्री गौ माता, दस में आई बॉट 1 बिटकॉइन बट नेवर रिसीव्ड द बिटकॉइन, पैसा डूब गया। 1 बिटकॉइन का वैल्यू पता है अभी? 24 लाख रुपए, 24 लाख ही है ना? बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ गया है, 25,71,000 आ गया है एक बिटकॉइन का। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक बिटकॉइन का वैल्यू कितना है, 25 लाख रुपए। और इथेरियम है 1,58,000 का। इसके बाद और तो कोई ढंग का कॉइन है नहीं, मैटिक है, पॉलीगॉन है, ये सब है। इसमें पैसा लगाना अभी मूर्खता है, बहुत लोग ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि हमको बिटकॉइन में पैसा लगाना है, ये करना है, वो करना है। अरे पढ़ लो, थोड़ा काम कर लो, थोड़ा कमा लो। बताओ, 40 अरब पे जा करके, 40 लाख पे जा करके तुरंत बिटकॉइन 25 लाख पे आ जाता है। फिर लोग रोते हैं कि अरे मेरा पैसा डूब गया। देखो कैसे पैसा बढ़ता है। यहाँ पे कितना था बिटकॉइन का, देखो ये देखो, यहाँ पे बिटकॉइन था 23 लाख पे, 20 जुलाई 2021 पे 23 लाख पे था, ये चला गया 10 नवंबर को 53 लाख, एक कॉइन का वैल्यू 53 लाख रुपए। ठीक है ना, तो 23 लाख से 53 लाख चला गया, उसके बाद फिर से गिरना शुरू हुआ, दनादन 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 गिरता गया, फिर से 23 लाख पे आ गया। ठीक है, और फिर से देखो अभी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सवाल था काकटिया पे, काकटिया के जो का जो ऋण है, वहाँ पे एक राजा था गणपति देव, उनका एक आर्किटेक्ट था, उन्हीं के आर्किटेक्ट के नाम पर एक मंदिर बना, रमप्पा टेम्पल नाम है उसका, 1213 में बना था। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो दिया गया था। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्को पोलो जो कि एक ईरानियन ट्रैवलर था, वो विजिट किया था 13th सेंचुरी में, और उसने काफ़ी बड़ाई करी थी इस टेम्पल की। तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। मार्को पोलो विजिटेड द काकटिया टेम्पल किंगडम, उसमें रानी थी रुद्रमा देवी। ठीक है, ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया था गणपति देव का जो आर्किटेक्ट है उनके नाम पर। थोड़ा फैक्चुअल है, आता तो ठीक है, वरना नहीं आता तो कोई ऐसा कोई गंभीर बात नहीं है। ठीक है, परेशान मत होना इस सब चीज़ के लिए। अगला सवाल लीफ कोलेशन के बारे में है, ध्यान से करना इसको।
2010 में हमको चॉकलेट तक खरीदने के पैसे नहीं मिलते थे। एकदम सही बात कही है तुमने सर, बात कर रहे हैं इतने टाइम में 24 लाख से 25 लाख हो गया। नहीं शांत, अभी कोई प्लान नहीं है यार। कभी अर्श पे कभी फर्श पे। ठीक है, लीफ कोलेशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉलेंटरी ग्लोबल कोलेशन है, ठीक है ना, एक वॉलेंटरी ग्लोबल कोलेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब होता है इसमें केवल सरकारें हों, इसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आता है। क्या है? इसमें सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर भी आता है। इनका काम क्या है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए फाइनेंस देना, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल में क्या होता है? केवल सरकारें ही उसका हिस्सा होती हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्ट होता है। तो इट इज़ नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, फाइनेंस देगा किस चीज़ के लिए? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगल है ना, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। तो बी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, यहाँ पे ध्यान से करना, साइबर क्राइम के ऊपर है। सर मुझे फिलीपींस सिंगापुर से मैसेज आता है लड़कियों के कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, ऐसे ऐसे करके पार्टनर बन जाओ बिटकॉइन में। जब भी ऐसा बहुत भयंकर आपको दिखे ना कि मेरे साथ अचानक से इतना अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, तो याद करो कि तुम्हारी किस्मत आज तक कैसी रही है। अपनी किस्मत पर भरोसा रखो कि नहीं, अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चौकन्ने हो जाओ, समझ गए। और कभी कोई ज़्यादा सुंदर लड़के का मैसेज आ गया तो थोड़ा सा अपना आईना देख लो, तुमको डाउट क्लियर हो जाए कि अरे मेरा शक्ल तो ऐसा है पक्का है। कुछ गड़बड़ प्रोफाइल है ना। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दिल्ली में बनाया गया है। किया क्या जाएगा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए जो फ्रेमवर्क है साइबर क्राइम से फाइट करने का, वो प्रोवाइड किया जाएगा। साइबर क्राइम वॉलेंटियर फ्रेमवर्क, इसको भी बनाया गया है। पर्पस क्या है? साइबर हाइजीन को प्रमोट करना। देखो, साइबर हाइजीन जैसे टर्म काफ़ी हाईफाई फैंसी टर्म कहे जाते हैं, मतलब वही है ना। साइबर हाइजीन मतलब क्या? आप ढंग की वेबसाइट पे जाएंगे, आलतू फालतू सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे, आलतू फालतू वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, तो मतलब आप उन थ्रेट से बचे हुए रहेंगे जो साइबर क्रिमिनल को मौका देता है आपके सिस्टम को अटैक करने का, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें जो है वो करेक्ट है। अगला सवाल करना है यहाँ पे, ग्लोबल जेंडर गैप हैज बिन इन न्यूज़, किसने निकाला है इसको बताना ज़रा। सौरभ कह रहा है सर हमको कॉल आता है, अकेले हो इस नंबर पे कॉल करो। अबे करना मत, अकेले हो पूछ रहा है वो, पता चला तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे अकेले जान करके, लूट भी लेंगे तुम्हारे घर का सामान। चड्डी तक नहीं बचेगा। हाँ, तो उसको बोलना मत कि हम अकेले हैं। आप क्या करते हैं ऐसे फेक नंबर का सर? अरे फेक नंबर कभी कभी कॉल आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिट कार्ड का, चाहे इन्वेस्टमेंट का, कि सर म्यूचुअल फंड अभी मार्केट गिरा हुआ है जो इन्वेस्ट कीजिए। हम प्रेम से बात करते हैं, और प्रिया कैसी हो, शादी हो गया? अरे कर देंगे इन्वेस्ट, मार्केट गिरेगा ना अभी। थोड़ा और गिरने दो, हाँ काम धाम है नहीं। मजाक कर रहे, नहीं करते।
ग्लोबल जेंडर गैप जो है ना, कौन निकालता है इसको? इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी नीचे चला गया, 140th रैंक पर आ गया 56 कंट्री में। तो यहाँ पर पहला जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो सही है। मेटावर्स के बारे में सवाल है, ध्यान से करना है इसको। मेटावर्स में तीन टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन। ठीक है, अनअकैडमी वाले काउंसलर से बात होता है ऐसे कभी अबे ढंग से बात क्या करना उन सबसे सबका जॉब है भाई, तुम क्या बात, थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना। मतलब जो बैठे हुए हैं तुम्हारे सामने, वो भी उनका तो जॉब ही है, वो थोड़े कंपनी में है, वैसा है। हाँ ठीक है। तो मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स एक 3D वर्ल्ड है, मतलब एक तरह से एक डिजिटल दुनिया है जिसके भीतर आप फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ आप रियल दुनिया में आ गए हैं। एक्चुअली ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पर आपको रियल में जाने में डर लगता है, आप उस इन्वायरमेंट में जा सकते हैं मेटावर्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपको जंगल घूमने का शौक है, मगर आप रियल जंगल में जाने का तो गोवा है नहीं, तो करेंगे क्या? कि जो मेटावर्स है उसमें जो डिजिटल जंगल है वहाँ जा सकते हैं आप, वहाँ घूम सकते हैं आप, इस तरह कई सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आपको पता है क्या होता है? मूवी देखे हो आयरन मैन? आयरन मैन वाले जो मूवी है उसमें आयरन मैन जो जिसका मॉनिटर होता है ना बड़ा सा, इसमें खिसकाता रहता है, यूं करता रहता है, तो वो एग्जाम्पल है किसका? ऑगमेंटेड रियलिटी का। वहाँ पर करते क्या हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है और जो डिजिटल वर्ल्ड है दोनों को मर्ज कर देते हैं। सर तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? आँख में जो बड़ा सा लगा के नाचते हैं ना, उसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वो रियल नहीं है, आपको दिखता है अंदर में कि हाँ हम कहीं और पहुँच गए हैं, वो वर्चुअल रियलिटी है। ऑगमेंटेड रियलिटी में आपकी जो रियल वर्ल्ड दुनिया है उसमें डिजिटल वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, समझ गए बात? ठीक है, तो यहाँ पर चलो ये बातें हो गई। तो मेटावर्स क्या है? एक नेटवर्क है 3D वर्चुअल वर्ल्ड का, जो सोशल कनेक्शन को, गेमिंग को, इसको प्रमोट करता है, उसको और एक्चुअल बनाता है। स्टिमुलेटेड डिजिटल एनवायरनमेंट जो यूज़ करता है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। अगला सवाल है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में, ध्यान से करना है इसको ज़रा। पैसा नहीं है फ्री में पाओगे ठीक है। चलो, तो आपका जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ना, इसको लॉन्च किया था चाइना ने। इसका काम क्या है? यूएस का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और जो क्वाड है इसको काउंटर करना। क्वाड में चार कंट्री हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। लपो सवाल भी पूछते हैं ऐसे ऐसे कि क्वाड में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों कंट्री क्वाड में आते हैं। तो पहला चाइना इज करेक्ट आंसर। ईस्ट यूरोप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जरा नाम बताना उसका, जिसमें रशिया का इन्फ्लुएंस जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर फाइव आइज अलायंस के बारे में, ध्यान से करना जरा। फाइव आइज अलायंस कौन कौन से कंट्री हैं इसमें?
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। देखो ध्यान से, कोल्ड वॉर के बाद, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम में ये जो अलायंस है बना था, एक्चुअली ये इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए ये जो अलायंस है बनाया गया था 5 कंट्री के द्वारा, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सारे, सारे का आइडियोलॉजी करीब करीब सेम ही है। यूएसए और कनाडा खैर साथ में ही रहते हैं हमेशा, यूएसए का पिछलग्गू है कनाडा और यूके बन गया है पिछलग्गू यूएसए का, क्योंकि यूके में उतनी बात रही नहीं, इसमें इतना दम रहा नहीं पहले जैसा, वर्ल्ड वार वन के पहले जैसा। तो यूके, यूएसए, कनाडा एक ही आइडियोलॉजी के हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बेचारा किनारे पड़ जाता है तो उसको मदद लेनी पड़ती है यूएसए की, और सब भाग के तो आए हैं यूके से ही, सारे जो इसमें माइग्रेंट थे उसमें जो जो बसने वाले लोग थे, तो सबका करीब करीब एक ही नाना नाती सब एक ही उसके पुष्ट के हैं। तो इसी कारण से सबका जो आइडियोलॉजी मैच करता है, इन्होंने बनाया था फाइव आइज अलायंस इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी और फ्रांस नहीं है। जर्मनी फ्रांस दोनों स्ट्रांग नेशंस हैं, इनका अपना है, तो 1 एंड 2 ए जो आपका है वो करेक्ट है। अगला सवाल है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर। कई बार होता क्या है कि कई सारे लोग मिल करके एक कंपनी बनाते हैं, मान लो कि 3 लोगों ने मिल करके कंपनी बनाई और उसमें कुछ लोन लिया। अब लोन ले लिया, कंपनी फेल हो गई, तो बैंक कंपनी को पकड़ेगा, कंपनी के जो दोनों पार्टनर हैं ना उनको नहीं पकड़ेगा कि तुम लेने आए थे तो तुम पैसा दो हमको, कंपनी का एसेट लिक्विडेट करेगा, समझ गए। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप पार्टनरशिप करके कोई कंपनी खड़ा करते हैं तो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। मैंने लोन लिया है तो मैंने कंपनी के नाम पे लिया है, कंपनी फेल हो गई लोन पे करने में तो बैंक आके हमको नहीं पकड़ेगा, समझ गए। तो देखो यहाँ पे एलएलपी क्या होता है, एक अल्टरनेट कॉरपोरेट बिजनेस फॉर्म होता है जो कंपनी में कंपनी चलाने वाले जो पार्टनर हैं उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उन पर लाइबिलिटी कम कर देता है। जो इंडिविजुअल पार्टनर हैं उन पर कोई जॉइंट लाइबिलिटी नहीं आती। मान लो कि दूसरा पार्टनर चोर निकल गया, दूसरे पार्टनर ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो उसके मिसकंडक्ट का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बस मोटा मोटी बात मजे याद रखना, जो मैंने बताया अभी दोनों बातें करेक्ट हैं। अगला सवाल है कवच के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साइंस एंड टेक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है सवाल उस पर आता है। कवच ट्रेन कोलेजन अवॉइडेंस सिस्टम है, करता क्या है, मान लो कि इधर से ट्रेन जा रहा है, उधर से कोई ट्रेन आ रहा है, तो जो सिस्टम है ना ये पकड़ लेता है कि इस ट्रेन पर आगे कंजेशन है, ठीक है ना। तो ट्रेन कोलाइड नहीं होता, पहले ही अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। पेनल्टी मार्क्स मिलता है मेंस में बाबू, इसमें प्रीलिम्स में नहीं मिलता, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ी रुक जाता है जब मिलता है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैक पर। डीआरडीओ ने इसको डेवलप नहीं किया है, इसको डेवलप किया है आपका, एक तो हो गया मेधा सर्वो ड्राइव्स, दूसरा हो गया एचबीएल और एसडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड सिंक्रोनाइजेशन इसने किया है। ये किसका है, ये इंडियन रेलवे का है, ठीक है। तो डीआरडीओ का इसमें जो है वो हाथ नहीं है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। डीआरडीओ मिनी डिफेंस वगैरह में होता है इन्वॉल्व, इसमें नहीं होता। आज का आखिरी सवाल है डिलिमिटेशन कमीशन पर, ध्यान से करना इसको। जीपीएस बेस्ड है, हाँ ठीक है। बढ़िया, तो देखो जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो बनाया जाता है हर जनगणना के बाद, ऐसा प्रावधान है। सेंसस होता है तो ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है,
मान लो कि किसी राज्य का जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पर सीटें हम लोग अरेंज करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ पीपल सेम होने चाहिए, ठीक है, ताकि हर हर इलेक्टेड एमपी या एमएलए सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो ये हर सेंसस के बाद होगा, ऐसा प्रावधान रखा गया है, मगर हर के बाद नहीं होता, कभी कभी काम फ्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ पर करते क्या हैं, एक राज्य में कितनी सीटें होंगी इसकी लोकसभा की और राज्यसभा की, ये डिसाइड करता है। कौन सा सीट रिजर्व होगा एसटीएससी के लिए, ये भी यही कमीशन डिसाइड करता है। इनके ऑर्डर में फोर्स ऑफ लॉ होता है, मतलब कि इस कमीशन ने जो बात कह दी वो लॉ बन गया, ठीक है ना। उसको किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसको प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, ना कि पार्लियामेंट। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बातें हो गई इसके बारे में। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसको जो डिनोटेशन है ना वो करने के लिए ये कमेटी द्वारा बनाया गया था। क्लियर है, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी आज की, ये 15 क्वेश्चंस आज हमने आधे घंटे में करीब करीब पूरा। सर बिरयानी याद आ जाती है जब आपका लेक्चर अटेंड करता हूँ, रखा हुआ है डिब्बे में बिरयानी, अभी खाएंगे, आधा खाया है, रहा नहीं गया था तो आधा मैंने क्लास के पहले मैं गटक गया था तो आधा रखा है, उसको निपटाएंगे अभी, ठीक है। चल ये बातें हो गई, अब हम मिलेंगे कल। कल क्लास रखूँ क्या, क्या बोलते हो, कब तक क्लास करना है करंट अफेयर का, जब तक बोले तब तक क्लास करेंगे। क्लास करंट का कब तक करना है ये बताओ। दो तीन दिन और करें कि अभी छोड़ दें, बंद कर दें अब। ठीक है, 4 तक, 3 तक, ठीक है, ठीक है। टेंशन कम होता है, ठीक है। सैटरडे तक करते हैं, सैटरडे तक करते हैं फिर, ठीक है, बोल देते हैं 3 जून तक। हाँ ठीक है, 3 4 दिन चलते हैं अभी। हाँ ओके, ठीक है, फीडबैक ले लिया आपका। तो बातें हो गई हमारी आज की, हम मिलते हैं अब कल, कल रात में 9 बजे से। ओके ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा, लाइक, खराब लगा, डिसलाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।